बड़ी खबर आ रही है फरुखाबाद से, जहां अवैध शराब तस्कर के खिलाफ एसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी। एसओजी टीम सर्विस लान टीम थाना जहानगंज पुलिस आबकारी पुलिस टीम के संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी। अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह के 25,000 इनामी बदमाश सहित लगभग 24.5 लाख की अवैध शराब जब्त की गई है। सर किस मामले का खुलासा? ये थाना जहानगंज और एसओजी टीम सर्विलांस टीम के द्वारा एक अंतर्राज्यीय शराब तस्करी करने वाले गिरोह के दो बंदों को पकड़ा गया है। उसमें से एक 25,000 का इनामी है, जिसका नाम रणजोत उर्फ सेंकी है, जो पहले से ही मोहम्मदाबाद थाने से गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहा था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उस पर 25,000 का इनाम भी था। इसके साथ में परमजीत उर्फ मन्नी को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक आयशर ट्रक, जिसका नंबर HR37C7399 है, जिसमें आप भरते थे और भरने के बाद में ये जो आपके बिहार है, झारखंड है और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर अवैध शराब की तस्करी करते थे। और इसमें इनके अन्य जो साथी हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है कि वो कौन कौन लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, पूरे नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और पूरे गैंग का पता लगाकर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ से कहाँ शराब ले जा रहे हैं? ये आपके पंजाब से भी लेते हैं, हरियाणा से भी लेते हैं, छत्तीसगढ़ से भी लेते हैं और बिहार के अंदर, आपके झारखंड के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी सप्लाई करते हैं और साथ ही साथ यूपी में भी कुछ जगहों पर इनकी सप्लाई होती है। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।